ऑल राइट, सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं जानता हूँ अभी रात हो चुकी है फिलहाल फुल, तो अच्छे से क्वालिटी वीडियो की आ नहीं रही होगी, तो आप लोग वो संभाल लेना। बट मेन होता है कंटेंट। आज का कंटेंट क्या है मैं ये बता दूँ, मतलब यहाँ पे हमारे गाँव में एक बहुत मोस्ट हॉन्टेड मतलब प्लेस है, वहाँ पे विजिट तो आप रात में कर ही नहीं सकते। मतलब रात में कोई पब्लिक वहाँ पे दिखेगी ही नहीं आपको, मतलब हमारे अलावा। आज हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे, और प्लस हमारे साथ एक है बाइक RX 100, जो कि मतलब हल्की फुल्की मॉडिफाइड है। ये है पीछे हमारे, और इंतज़ाम किसने किया है तो इत ब्रदर ने हमारे, तो थैंक यू सो मच ब्रो इंतज़ाम करने के लिए इस बाइक की। कम बाय। तो फिलहाल इस बाइक को हम लेके चेक करेंगे वहाँ पे, और पूरी पब्लिक है। हाय बोल दो ब्रो। हाय। थोड़ा मतलब शाम नहीं हुआ है फुल, तो अभी थोड़ा रात होता है। एंड कितना बजा है मैं भी ये भी दिखा दूँ, तो 6:05 हो गया। हाँ 5 मिनट हो गया, तो अभी थोड़ा और शाम होता है, तो उसके बाद अभी आपको उस जगह पे लेके जाते हैं, दिखाते हैं। वो भी हमारे गांव का छोटा सा हिस्सा है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना बनता है रोड। तो अभी फिलहाल देखो आगे क्या होता है क्या नहीं, चलो। ओके सो फिलहाल अभी देख रहे हो एकदम फुल, मतलब अंधेरा एकदम हो चुका है, और मैं अभी फिलहाल फ्लश जलाया हुआ हूँ। तो हमारे साथ है एक गाड़ी इधर और एक गाड़ी इधर, यामाहा RX 100। उसके बाद हम इस पे बैठते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं। और दिल थाम लीजिए आप लोग, बहुत डेंजरस प्लेस पे जा रहे हो। चलो रात के सिवा यहाँ पे कोई जाता नहीं, बट हम लोग बहुत हिम्मत करके जा रहे हैं भाई। और इसीलिए मैं अकेले नहीं आया, मैं 2-4 बंदे को लेके आया हूँ। दूर में एक मंदिर है, ये देख सकते हो आप लोग। सो ये मंदिर मतलब बहुत पुराना है, तो यहाँ पे भी कोई वैसा आता नहीं है, मतलब जब कुछ रहता होगा तभी आते होंगे पूजा वगैरह करने। और यहाँ पे एक है कुआं, बहुत डेंजर कुआं है ब्रो ये भी। अभी फिलहाल हम लोग को उधर जाना है, उधर मतलब वो देख रहे हो एरिया ना, एकदम मतलब एकदम अंधेरा है, कोई नहीं जाता वहाँ पर, कोई नहीं। और सिर्फ हम 4 लोग जाएंगे, है ना, सिर्फ हम 4 लोग जाएंगे। तो अभी देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हम लोग बताएंगे भी पटेगी कि नहीं हमारी। तो भाई मैं आने वाला नहीं था, बट भाई की वजह से आया, मेरे को बहुत डर लगा। मैं बहुत फोर्स किया इन लोग बोल रहे थे मैं उधर नहीं जाऊंगा, बहुत डेंजर प्लेस है। तो इन लोग को मैं फोर्स किया कि चलो चलो चलो, तो जी हाँ हम लोग आ गए। तो अभी फिलहाल वहाँ पे चलते हैं, देखते क्या होता है। सो चलो 1, 2, 3 फोन, मतलब 3 फोन से हम फ्लश जलाएंगे और अपने फोन से भी। सो एंट्री मारते अभी और बिस्मिल्लाह करते, बिस्मिल्लाह पानी रही। तो अभी चलते हैं देखते हैं, फ्लश बराबर काम नहीं कर रहा है। अबे कुछ था वहाँ पे, वहाँ से अभी हम लोग निकलते अभी। ये देखो इसके गूज बम्स आ गए डूड। अबे गाड़ी तो वैसे फटी हुई है, दूसरा वो भी फाड़ रहा है मिलके। ओके सो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद से, तो मैं बता दूं कि अभी हम लोग बहुत डेंजरस तालाब के पास खड़े हैं, नीचे नहीं जाएंगे हम लोग। ये देख सकते हो आप लोग, मतलब ये गड्ढा है पूरा तालाब टाइप का, तो इसमें पूरा पानी है फिलहाल अभी, तो रात का समय इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत डरावना था। अभी कुछ आवाज़ आई, इसे खड़खड़ पड़ पा, हम लोग भागे वहाँ से। ये पेड़ देखो, ये देखो मतलब बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। हाँ भाई ये देखो, इधर भी पेड़ है, बहुत डेंजर पेड़ है ये।
इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा वो गड्ढा वगैरह है, मतलब वहाँ से हम लोग थोड़ा दूर आ चुके हैं, एक डेढ़ किलोमीटर लगभग। सो यहाँ पे एक खाजा की दुकान है जो कि यहाँ का बहुत फेमस चीज़ है। मतलब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मेला लगा था, तो बगिये के पास ही वो जो बाग मैंने दिखाया वहाँ पे मेला लगा था कुछ दिन पहले, तो बहुत लोग यहाँ पे आए हुए थे मेला देखने, कई हज़ार लोग आए हुए थे मेला देखने, काफ़ी लंबा चौड़ा मेला था। और मैंने एक्सप्लोर भी किया था, वो वीडियो नहीं देखे अभी जाके देख लो। ओके सो अब ये हम लोग फिलहाल खरीदते हैं, खाते हैं। और अभी और ये एक चीज़ और अंकल से हम पूछ लेते हैं, ये बताएंगे, सच हम लोग नहीं बता पा रहे, हम लोग का घर यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग दूर है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। बट ये अंकल यहाँ पे मेला लगा था, तो बहुत दिन से ये रुके हैं यहाँ पे, रात रात रुकते हैं। सो उसके बारे में बताएंगे, मतलब कैसा, मतलब आप यहाँ पे रुके रात तो कैसा फील, कैसा हुआ? तो सही बात, मेला लग रहा था। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। मेला लग रहा था, मेले लगने के बाद अभी तो हमें 3-4 दिन पहले ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद अभी हमसे लगे हैं। हाँ। और रात में यार रुका जाता भी। हाँ। रुकने के बाद में कोई भी आवाज़ सी लग रही है, मतलब देखो मैं बताया था, मतलब इनको यहाँ पे आवाज़ वगैरह भी आता है। और क्या क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे रहकर? यहाँ पर जैसे आवाज़ लग रही है, रहता हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर। हाँ तो फिर आवाज़ तो आएगी, आवाज़ तो आएगी। तो मतलब डर वर लगता है कि नहीं रात में? डर क्यों नहीं लगता है भाई। हाँ बट इनको यहाँ पे भाई उसके लिए आए, पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पे रुकना तो पड़ेगा इनको, बट डर सबको लगता है डूड। तो अभी फिलहाल मैंने आपको उनकी जवानी सुनाई जैसे कि, और इन सब लोगों को भी डर लगा। सबसे ज्यादा किसको लगा? इसको लगा सबसे ज्यादा, मेरे को लगा। अरे ये वाला थोड़ी ना आ जाएगा यार वीडियो। सो खाजा भाई पेमेंट कर रहा है, वाह भाई पूरा केले खाएगा क्या खा जाइए। नहीं नहीं हम सभी लोग। एक चीज़ और बतानी है, गड्डी कैसी लगी? इसका मैं अलग ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट मैंने ऐसे दिखा ही दिया, ये भाई लेके आया था बाइक, तो मैंने दिखा ही दिया इसको बाइक को। ओके सो बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मत भूलना। जी हाँ सब्सक्राइब तो मत भूलना, क्योंकि फैमिली बन के जल्दी से करो। बस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय 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 कर दो सब, बाय बाय चलो।